कौन बनेगा देश का अगला राष्ट्रपति? क्या नीतीश कुमार की किस्मत में है राष्ट्रपति की कुर्सी? क्या विपक्ष की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे नीतीश कुमार? क्या कहती है सुशासन बाबू की कुंडली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की न्यूज मीडिया में आने के बाद से एक ही सवाल हर तरफ उठ रहा है कि इस खबर में कितना दम है। आइए ज्योतिष गणना के आधार पर आकलन करते हैं और जानते हैं कि क्या राष्ट्रपति बनने के योग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत भाग्यशाली हैं। उनकी काल गणना से स्पष्ट हो रहा है कि वे एक बार फिर राष्ट्रपति पद को लेकर चर्चा में हैं। बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा हो या राजद, दोनों ही दल नीतीश के बिना अधूरे हैं। मजबूरी में सही, पर अन्य दलों को उनको स्वीकार करना है पड़ता है। नीतीश कुमार की जन्म कुंडली के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1 मार्च 1991 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। 1972 में इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने के बाद उन्होंने बिहार राज्य बिजली बोर्ड में नौकरी ज्वाइन की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति का रुख कर लिया। 1974 से 1977 तक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण आंदोलन में भाग लिया। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद लगातार राजनीति में वे आगे बढ़ते चले गए। वर्ष 2000 में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन मात्र 7 दिनों में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद वे 2005 से 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जुलाई 2017 में उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पर आपसी मतभेद के कारण उन्हें पदत्याग करना पड़ा। कुछ समय बाद एनडीए के साथ मिलकर वे फिर मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र तक का काफी उतार चढ़ाव वाला सफर जो है अपने जीवन में, अपने करियर में देखा है। जन्म कुंडली क्या कहती है इनकी, नीतीश कुमार की, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं सितारे? मिथुन लग्न में जन्म नीतीश कुमार की जन्म कुंडली शुभ अशुभ योगों का एक अद्भुत संयोजन है। सहज भाव अर्थात चौथे भाव का स्वामी बुध नौवें भाव में होने से एवं नौवें भाव का स्वामी शनि कन्या राशि में स्थित होकर चौथे भाव में होने से परिवर्तन राज्यों का निर्माण कर रहा है। इस योग के कारण नीतीश कुमार को उच्च पद पर बैठने में सफलता मिली और उन्हें सफल शासक के तौर पर उन्हें सफलता जो है पूरी उन्हें सफलता प्राप्त हुई। कुंडली के कर्म भाव में उच्च राशि का शुक्र विराजमान होने से जनता के जनसैलाब का स्नेह इनके साथ हमेशा इनको प्राप्त हुआ, अर्थात जनता को जोड़ने में नीतीश कुमार सफल बने, सफल नेता रहे। कर्म भाव में ही मंगल होने से कुल दीपक योग का सृजन हुआ है। इस योग के नाम से ही स्पष्ट है कि दीपक अर्थात अंधेरों को रोशनी दिखाने वाले कर्म के आधार पर ही घर परिवार एवं राष्ट्र चलता है, जिसको इन्होंने उजाला भी दिया। इस राजयोग के कारण नीतीश कुमार ने न केवल अपने कुल का बल्कि अपने गाँव और राज्य और देश का भी नाम रोशन किया। इस योग के कारण ही मुकेश अंबानी भी जैसे उद्योगपति ने अपने पिता के व्यवसाय को आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि अपने कुल का नाम पूरे विश्व में रोशन किया और करोड़ों लोगों को अपने व्यापार के माध्यम से जोड़ा।
इसी प्रकार धर्म भाव में सूर्य बुद्ध मिलकर बुधादित्य योग के निर्माण के कारण अपने विवेक से धार्मिक भावनाओं में जातिगत भावनाओं का समावेश कर प्रदेश की जनता में अपना वर्चस्व कायम किया। दसवें भाव में मीन राशि का शुक्र होने से मालव्य योग का निर्माण हुआ। इस योग के कारण नीतीश कुमार सामाजिक कार्यों से जुड़कर आगे बढ़ते हुए बड़ी चतुराई से राजनीति में निपुणता प्राप्त की और सत्ता का आनंद लिया। छठे भाव में नीच राशि का चंद्रमा मतलब वृश्चिक राशि का चंद्रमा अपने चौथे दृष्टि से गुरु को देखने के कारण गजकेसरी योग का भी यहाँ निर्माण हुआ, लेकिन यह योग जो है कमजोर होने के कारण उनको भारत के सर्वोच्च पद पर ले जाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। वहां तक ले गया लेकिन सफलता नहीं दिया। नीच के ग्रह अधापतन कराते हैं, मतलब जहां ले जाना चाहिए उसे नीचे लाते हैं। नीतीश कुमार की कुंडली में जड़त्व योग का होने के कारण वह बहुत ज्यादा चालाक और चतुर है। इस योग के कारण वे अक्सर समय के साथ समय को भुना लेते हैं। इस योग के कारण मित्रों का सदैव सहयोग मिलता रहा है और धन कार्य कौशल में वृद्धि होती है। नीतीश कुमार के कुंडली के नवम भाव में जड़त्व योग का निर्माण के साथ ही वर्तमान में चल रही राहु की महादशा में बुध का अंतर भी इस योग का निर्माण कर रहा है, अर्थात सोने पर सुहागा। वर्तमान में राहु में बुध के अंतर से नीतीश कुमार मित्रों के सहयोग से एवं अपने चतुर कार्य कौशल के दम पर विकट परिस्थितियों में भी बेहतर करने में हमेशा सफल रहे हैं। नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने का रिस्क लेते हैं जन्म कुंडली के अनुसार तो उन्हें बिहार के सीएम की कुर्सी से हटना होगा। वह राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं ये तो बाप का सवाल है, लेकिन उससे पहले उन्हें 2025 से पहले करीब 2 साल पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागना होगा, जो कठिन निर्णय है इनके लिए। यहां यह भी बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चर्चा चली थी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति का पद का ऑफर किया था और उसके एवज में बिहार में सीएम की कुर्सी से हटने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को शायद ठुकरा दिया था। इसीलिए पहले भी कई तरह की अटकलें कई तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार दलगत राजनीति में बने हुए हैं। इन सारी बातों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं, लेकिन ज्योतिषीय गणना यह बताती है कि अभी रास्ते दूर है। राष्ट्रपति बनने की संभावना गणना थोड़ी कम बता रही है, संभावना कम दिख रही है। आप सब यूं ही बने रहे, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।